नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो मानसून सीजन में मैंने जो नर्सरी से प्लांट्स खरीद के लाए हैं, तो वही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैंने ज़्यादातर इसमें इंडोर प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स, और मैंने पहली बार ही इस बार हैंगिंग प्लांट्स भी मैंने खरीदे हैं। तो मैं हमेशा हैंगिंग प्लांट्स को खुद ही घर पर ही कटिंग से तैयार करती हूँ। मैंने पहली बार ही हैंगिंग प्लांट्स खरीदे हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे कुछ प्लांट्स इसमें फ्री भी मिले हैं और कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगे भी इसमें प्लांट्स मुझे मिले हैं और कुछ सस्ते भी मिले। जो हैंगिंग प्लांट्स हैं मुझे वो काफ़ी रिजनेबल लगी, इसलिए मैंने इनको ख़रीदा है। नहीं तो मैं हर बार तो घर पर ही हैंगिंग प्लांट्स को मैं घर पर ही लगा के तैयार करती हूँ। तो वही सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनसून का सीज़न बहुत ही बेस्ट सीज़न होता है कटिंग्स लगाने का, और जो भी नर्सरी से हम प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो वो प्लांट्स लगाने का, क्योंकि इस मौसम में हम जो भी प्लांट्स लगाते उनके रूट्स बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाती है और बहुत ही जल्दी हमारे प्लांट्स सेट हो जाते हैं। अगर हम नर्सरी से ला के जो भी प्लांट्स लगाते हैं वो शॉक में भी नहीं जाते हैं, बहुत ही जल्दी वो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर प्लांट्स को आपके गार्डन में ऐड करना चाहते हो तो आप जल्दी करिए, और नर्सरी से ला के जो भी प्लांट्स आप लगाना चाहते हो तो अभी आप मौसम के सीज़न में आप जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। जैसे मैं अभी इसके पहले भी मैंने आपसे एक शॉपिंग हॉल का वीडियो शेयर किया था, वो भी सारे मेरे प्लांट्स लग चुके हैं, तो वो सारे प्लांट्स भी मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला है पर्पल टर्टल वाइन, और ये इसे क्रीपिंग इंच प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इसकी जो लीव्स है ये थोड़ी सी थिक और ऐसी फ्लेशी होती है। ये सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मुझे हैंगिंग बास्केट के साथ में ये मात्र मुझे 130 का ही ये मुझे मिला है, और ये सिंपल गार्डन सॉइल में ये प्लांट लगा हुआ है। और मुझे जो हैंगिंग प्लांट्स हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये भी प्लांट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तो इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। नेक्स्ट है वाटरमेलन पेलियोनिया, ये भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है और इसके अट्रैक्टिव लीव्स के लिए इसे लगाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं, इसे एक दो घंटे की अगर धूप मिल जाए तो इसकी जो पत्तियों का कलर है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोकोपीट में ये लगा हुआ मुझे मिला है, ये बास्केट के साथ में मुझे ये भी प्लांट उन्होंने 130 में ही दिया है, तो बहुत ही बढ़िया मुझे ये हैंगिंग प्लांट मिला है। ये भी बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट्स है, पर ये इसका नाम वो नर्सरी वाले भैया को भी नहीं पता था, और मैंने गूगल से भी सर्च किया तो मुझे इसका नाम कुछ अच्छे से मुझे सर्च में भी नहीं आ रहा था। तो आप किसी अगर आपको इसका नाम अगर पता हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस और ये बहुत ही खूबसूरत ये वाइन है, देखिए इसमें कितने अच्छे से छोटे छोटे इसमें लीव्स है, और इसमें देखिए छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और ये भी प्लांट मुझे उन्होंने 130 का ही दिया है। काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये भी हैंगिंग बास्केट, तो इसे भी मैंने खरीद लिया। देखिए इसमें ये सैंड में लगा है, मिट्टी और सैंड में ये लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये प्रेयर प्लांट, जिसे मरांटा प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इसके लीफ का कलर कितना सुंदर है, और ये टोटल इंडोर प्लांट है। अगर इसे थोड़ी सी भी धूप लगती है तो ये इसके जो लीव्स है ये मुरझा जाते हैं। देखिए इसमें इस तरह के फ्लावर्स भी आते हैं, और ये प्लांट काफ़ी बुशी सा है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये घना है ये प्लांट, और मुझे इस तरह की ये पॉली बैग में ये मुझे 150 का मिला है। और ये देखिए इस तरह से ये मिट्टी और कोकोपीट में ये लगा है ये प्लांट, तो ये भी प्लांट मेरे पास में नहीं था तो इसे भी मैंने लेकर आई हूँ। नेक्स्ट प्लांट है ये एल्यूमिनियम फ्रेंडशिप प्लांट भी जिसे बोलते हैं, और ये भी प्लांट देखिए इसके लीफ का कलर कितना सुंदर है, और ये भी टोटल इंडोर प्लांट है। और ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा ये बुशी सा प्लांट है, और ये मिट्टी और ये सैंड में देखिए इस तरह से ये मिट्टी और सैंड में लगा हुआ ये पॉली बैग में मुझे ये भी प्लांट 150 का ही मिला है, और काफ़ी ये बड़ा और घना है। तो इसके जो ऊपर से मैं इसकी कटिंग करके भी इसे अभी मैं लगा दूँगी तो ये प्लांट्स कटिंग से भी मेरे रेडी हो जाएंगे, तो ये भी प्लांट बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है। नेक्स्ट है ये लकी बाम्बू प्लांट, बाम्बू का एक भी प्लांट मेरे पास में नहीं था तो मैं इसे भी लेकर आई हूँ, क्योंकि ये प्लांट शुभ प्लांट भी होते हैं। तो इस तरह की पॉली बैग में मुझे ये प्लांट 80 रुपीज़ का मिला है, और ये देखिए सिंपल ये गार्डन सॉइल में जैसे लगा है सिंपल मिट्टी में, और देखिए इसके लीफ का कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। और इसे भी मैं यहाँ से कट करके अगर इसकी कटिंग लगा देती हूँ तो ये नीचे से काफ़ी ये बुशी सा ये प्लांट हो जाएगा, तो ये भी प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है।
नेक्स्ट प्लांट है ये फेलोडेंड्रॉन, ये इसे लेमन लाइन का ये वैरायटी का फेलोडेंड्रॉन है। और देखिए इसकी जो ऊपर की जो लीफ होती है ये देखिए गोल्डन कलर की होती है और बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये टोटल ये इंडोर प्लांट है ये देखिए। और इस तरह से ये मुझे पॉट में ये मुझे 130 का ये मुझे मिला है। और ये भी प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है। और इसके साथ में ये देखिए एक और ये प्लांट इसमें लगा हुआ मिला है, ये भी सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। तो ये मुझे फ्री में एक्स्ट्रा एक और प्लांट ही मुझे मिल गया। और ये देखिए लीफ से ये देखिए अपने आप ये प्रोपोगेट भी इसमें हो गया है। तो ये अभी मेरे से निकल नहीं रहा, इसमें बाद में निकालूंगी। तो मेरा ये देखिए मुझे इसमें दो प्लांट्स मुझे मिल गए हैं। तो ये भी प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट है, ये एयर प्योरीफायर भी है और बहुत ही बढ़िया इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और ये शेड में और सेमी शेड में बहुत अच्छे से चलता है ये ब्राइट सनलाइट में। तो इसे हम विंडो में पोर्च में अगर लगा देते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये प्लांट चलता है। नेक्स्ट प्लांट है ये पर्शियन शील्ड प्लांट। और देखिए इसकी लीफ का कलर कितना सुंदर है। और ये प्लांट मैं बहुत दिनों से नर्सरीज में मैं ढूंढ रही थी, ये प्लांट मुझे अपने गार्डन में ऐड करना था। तो ये फाइनली मुझे ये प्लांट मिल गया, पर ये लास्ट ही उनके पास में ये बचा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये देखिए बहुत ऐसे लैगी सा हो गया है, लंबा लंबा सा। तो अभी ये मानसून सीजन चल रहा है तो मैं इसे कट करके इसकी कई सारी इसकी मेरी कटिंग्स तैयार हो जाएगी। और ये मुझे पॉली बैग में उन्होंने 180 का बोला था तो उन्होंने मुझे ये 150 का दिया। ये मुझे काफ़ी ये प्लांट कॉस्टली मिला है। और ये टोटल ये इंडोर प्लांट है, ये सेमी शेड में बहुत अच्छे से चलता है। तो ये भी प्लांट मेरे पास नहीं था। नेक्स्ट प्लांट है ये एक्सोरा का, ये येलो कलर के देखिए इसमें फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास में पिंक और रेड कलर के कलर्स के एक्सोरा के दो प्लांट्स हैं, तो ये वाला कलर नहीं था तो मैं इसे भी लेकर आई हूँ। तो मुझे ये पॉली बैग के साथ में ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला है। तो ये भी प्लांट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक और मैं रियो का प्लांट ले आई हूँ। पिछली भी बार जो मैंने शॉपिंग करी थी प्लांट्स की उसमें भी मैंने एक और वैरायटी का रियो का प्लांट लाया था। और ये देखिए काफ़ी बुशी सा है और ये प्लांट उन्होंने मुझे फ्री में ही दे दिया। मैंने इतने सारे जो उनके प्लांट्स खरीदे थे उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही ले जाइए। और ये प्लांट मेरे पास अभी 3 वेराइटीज़ हो गई है रियो प्लांट की। देखिए ये था जो मैंने पिछली बार मैंने जो ख़रीदा था। सो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे प्लांट्स जो मैंने नर्सरी से ख़रीद के लाए। तो आपको कैसे लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चलते चलते फ्रेंड्स, जो मैंने पिछली बार जो प्लांट्स ख़रीदे थे नर्सरी से उन्हें मैंने रिपोर्ट कर दिया, तो मैं उनको आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से वो मेरे प्लांट्स चल रहे हैं और बढ़िया से वो सेट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गंधराज का कितने अच्छे से ये प्लांट लग चुका है, इसमें न्यू इसमें शूट्स भी निकल रहे हैं, इसमें कलियां भी आ रही है। नेक्स्ट है ये कृष्ण कमल का, ये देखिए कितनी सारी इसमें बर्ड्स आई हुई है। देखिए इसमें रोज़ एक दो फ्लावर्स खिलते हैं। और ये भी देखिए बहुत ही बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो रही है। देखिए मैंने इसे पाइप से ऐसे बांध भी दिया है। नेक्स्ट है ये ग्रेप्टोफाइलम, ये भी प्लांट देखिए बहुत ही बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए क्रोटॉन, ये भी यहाँ से मैंने कटिंग कर दी थी तो ये भी बढ़िया वहाँ से भी शूट्स निकल रहे हैं। देखिए अरेलिया भी, ये भी बहुत ही अच्छे से लग चुका है ये देखिए ये पॉट में। और देखिए एरेंथेमम का भी, ये देखिए यहाँ से मैंने कटिंग लगा दी थी, इसकी भी न्यू ग्रोथ चालू हो गई है। और ये बिगोनिया रेक्स, ये भी देखिए काफ़ी अच्छे से ये भी प्लांट मेरा लग चुका है। और ये देखिए शफलेरा का भी बहुत ही बढ़िया से ये भी प्लांट लग गया है। मेरे सारे ही प्लांट जो मैंने पिछली बार आपसे शेयर करे थे सब भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और ये अभी इस बार की शॉपिंग, ये भी प्लांट्स मैं किस तरह से इसको मैं लगाऊंगी रिपोर्ट, तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मेरा कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।